नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा के द्वारा आज निगम में प्रदर्शन किया गया। इसमें काफी संख्या में भाजपा नेता सहित आमजन उपस्थित रहे। इस प्रदर्शन में निगम की ओर से किसी की उपस्थिति नहीं होने से भाजपा के नेता काफी व्यथित थे। नगर निगम के वार्डों में पेयजल की समस्या एवं खस्ताहाल सड़कों का समाधान नहीं हुआ तो आगामी समय में उग्र आंदोलन होगा। आगजनी तोड़फोड़ हुई तो इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार होगी, यह कहना है नगर निगम अंबिकापुर के पूर्व मेयर प्रबोध मिंज का। दरअसल आज भाजपा के द्वारा शहर के वार्डों में इस भीषण गर्मी में हो रही पेयजल की समस्या एवं शहर की खस्ताहाल सड़कों को लेकर निगम कार्यालय का घेराव एवं धरना प्रदर्शन किया गया था। यह कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित थी, इसके बावजूद भाजपा के धरना प्रदर्शन के दौरान न तो निगम के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, न सभापति अजय अग्रवाल, न ही आयुक्त प्रतिष्ठा ममगई इस आंदोलन के दौरान बात करने हेतु एवं प्रशासन की ओर से बात सुनने एवं अपनी बात रखने हेतु उपस्थित हुए। यहां तक कि निगम के पेयजल विभाग के अधिकारी तक नहीं पहुंचे, जिससे व्यथित पूर्व महापौर प्रबोध मिंज ने इसे ताराशाही करार देते हुए कहा कि यह केवल पार्टी का नहीं जनता का आंदोलन है, आगे उग्र प्रदर्शन होगा जिसकी जवाबदेही प्रशासन एवं सरकार की होगी। पूरे शहर में हम लोगों ने कई बार नगर के पानी की समस्या को लेकर इनको आगाह किया था, लेकिन अब बरसात पहुँचने वाला तब भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। चाहे मठपारा हो, चाहे सतीपारा हो, फुंडोटिहारी, गंगापुर, फुंडोटिहारी जितने भी क्षेत्र हैं और आसपास शहर के पूरे बौरीपारा इलाका है, कहीं पानी की कोई सुविधा नहीं है। लोग बूंद बूंद को पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और कुछ वार्डों में तीन तीन घंटे, चार चार घंटे पानी आ रहे हैं और वह सब कांग्रेस के वार्ड हैं। तो इसलिए लोग परेशान हैं, आज कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए सारी महिलाएँ, आम जनता और भाजपा के लोग आज ज्ञापन दे के उनको आगाह कराने आए हैं। लेकिन यहाँ भी दादागिरी ऐसा हो रही है कि कोई गंभीरता से बात को नहीं ले रहा है। यहाँ के आयुक्त लेडीज हैं, लेकिन वो तक आज यहाँ बोल रही है कि मैं नहीं आ सकती, ये आज सीएम की ड्यूटी की बैठक कर रही हूँ। इंजीनियर का पता नहीं है, महापौर का पता नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं जो हमसे चर्चा करने को तैयार है। इसलिए ये पूरी गतिविधि और तानाशाही पूर्वक रवैये के खिलाफ में हम सब लोग अभी तक चक्का जाम किए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए फिर सरकार जिम्मेदार होगी, कोई तोड़फोड़ होगा, कहीं आगजनी होगी, चाहे और किसी तरह। लोग प्यासे थोड़ी मरेंगे, अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करेंगे। लोग सुबह शाम पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो करेगी क्या जनता, वो तो अपना आंदोलन करेगी, अपना हक का मांग करेगी। इसलिए आज ये हक के लिए आप हम मांग करने आए हैं। इस धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाएं सिर पर मटके लेकर उपस्थित हुई। भाजपा नेताओं एवं पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि भाजपा के पार्षदों के वार्डों में निगम में बैठी यह कांग्रेस की सरकार पेयजल उपलब्ध नहीं करा रही है, लोग पेयजल के लिए परेशान हैं, यही कारण है कि आज यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जल्द ही इस पर सुनवाई नहीं हुई तो निगम में तालाबंदी की जाएगी। जो भी कांग्रेस समर्थित वार्ड है, रसूलपुर, पर्राडार, बरेजपरा, नवागढ़, जरहागढ़, ये कांग्रेस समर्थित वार्ड है, इसमें 24 घंटे बिना टुल्लू पंप लगाए डबल स्टोरी बिल्डिंगों में पानी आ रहा है। शेष 24 वार्ड हैं जहां एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। और आज यहां के विधायक, महापौर और सभापति गायब हैं, कोई भी जिम्मेवार अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए नहीं है, प्रशासन के लोग जवाब देने से बच रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शहर के नागरिकों के साथ, महिलाओं के साथ नगर निगम का घेराव किए हैं। अगर ये समस्या तत्काल दूर नहीं हुई तो हम नगर निगम में अंबिकापुर में भाजपा पार्षद दल के लोग तालाबंदी करके, कार्यालय बंद करके काम बंद कर देंगे। अरुणा सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए कि पेयजल हेतु महिलाओं के सिर पर मटका लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, शहर में निकलना पड़ रहा है। हमारे बहनों का मटका लेके आने का कारण है कि आज नगर निगम में कांग्रेस सरकार की जो यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हैं और यहाँ की जनता आज पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, इनको शर्म आना चाहिए। और आज हमारी नारी शक्तियाँ मजबूर होके प्रदर्शन करने आई थी खाली घड़ा लेके। हम लोग चाहते हैं कि हर घर में पानी मुहैया हो सबको,